हेल्दी माइंड गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी बॉडी। फाइन करूं कि ये मेडिटेशन है क्या, तो इसको कहते हैं तफक्कुर। टाइची चुआन में फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज दोनों एक साथ होती हैं, इसीलिए टाइची को कहा जाता है मूविंग मेडिटेशन। तो अब हम एक टाइची का फॉर्म देखते हैं जिसको कहते हैं ब्रशनी। तो इस फॉर्म में हम हल्के से जो है अपने आप को टर्न कर रहे हैं और फिर अचानक से ब्रीथ किया, इनहेल किया और हम पीछे आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुशीर हुसैन है और मैं एक इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं जिसका नाम है ड्रीम हीलर्स। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो स्पेशलाइज करता है अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स पे। अभी एक छोटी सी मुश्किल टर्म है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं समझाऊं कि इसका मतलब क्या है और हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है मेंटल हेल्थ। अब ये मेंटल हेल्थ होती क्या है, देखें लोगों को जो है एक्सरसाइज करना, वर्जिश करने का मतलब सिर्फ इतना मालूम है कि अपने जिस्म को सेहतमंद बनाया जाए। दे जस्ट फोकस ऑन फिज़िकल हेल्थ, नॉट द मेंटल हेल्थ। अब एक सेहतमंद इंसान कहते किसको हैं, पहले ये ज़रा समझते हैं। मेडिकल टर्म्स में एक सेहतमंद इंसान उसको कहते हैं, दो तीन चीज़ें मैं फौरन बता दूं कि वो इंसान जिसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, जिसको जिसका कोलेस्ट्रॉल अंडर द लिमिट हो, और वो इंसान एक कार्डियक अरेस्ट के करीब तरीन ना हो कि ही माइट बी एक्सपोज टू अ फ्यूचर कार्डियक अरेस्ट, राइट। तो ये तो हो गई मेडिकल टर्म्स। अब नॉर्मल ज़बान में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं वो मसल्स बनाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उस फिज़िक को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, और जिमिंग छोड़ देने के बाद के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एक ख़ास एज के बाद आप वेट्स उठा भी नहीं सकते, और अक्सर वेट लिफ्टर्स को लेट एज में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। और हमारे पास आजकल एक नॉर्मल इंसान के पास वक्त ही नहीं है, सोशल लाइफ का वक्त नहीं है, तो फिर ऐसा क्या करें कि हम मेंटली और फिज़िकली सेहतमंद रहें। और अजीब बात यह है कि डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट इस बात को कंफर्म करते हैं कि एक सेहतमंद जहन ही सेहतमंद जिस्म को जो है इम्पैक्ट करता है। हेल्दी माइंड गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी बॉडी। तो ये सब काम की चीज़ें हैं और इनको हम अचीव कैसे करें। देखें, हम एक अगर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या एक स्टूडेंट है उस पर पढ़ाई का लोड है तो आपके जहन पे बोझ पड़ रहा है, ठीक है। लोगों को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ये टर्म्स आजकल के ज़माने में अब लोग समझना शुरू हुए हैं कि हाँ डिप्रेशन कुछ होता है, स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना चाहिए। स्ट्रेस भी कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ को ना सोचना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ना। तो ये सब मकासद को हासिल कैसे किया जाए, और जहनी दबाव का असर जिस्म पर भी पड़ता है। इस टारगेट को अचीव करने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। अब लोग कहते हैं मेडिटेशन क्या चीज़ है, क्या हम मेडिटेशन करने से बुद्धिस्ट हो जाते हैं या हिंदू हो जाते हैं। तो मेडिटेशन का अगर एक लफ्ज़ में मैं डिफ़ाइन करूं कि ये मेडिटेशन है क्या, तो इसको कहते हैं तफक्कुर। कि किसी एक नुक्ते पर अपने कंसंट्रेशन को मरकूज़ करना, कि हम किसी एक पॉइंट पे जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है ईगल्स का, जो लोग म्यूज़िक का थोड़ा शौक रखते हैं, मैं बात थोड़ी सी एग्जांपल को देने के लिए कर रहा हूँ चेंज के। उस वो होटल कैलिफोर्निया ईगल्स का बहुत मशहूर सॉन्ग है और उसकी एक लाइन है, सम डांस टू रिमेंबर एंड सम डांस टू फॉरगेट। तो यही मेडिटेशन का बेसिक उसूल है कि कभी आप किसी चीज़ को भूलने के लिए मराकबा करते हैं और कभी किसी चीज़ को ठीक से करने के लिए मराकबा करते हैं। भाई बच्चों को कहा जाता है कि ध्यान से काम करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ध्यान लगाया कैसे जाए, फिर क्या करें। तो इसके टूल्स हैं मेडिटेशन के, और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने बहुत यंग एज में सीखी वो है योगा। अब जो टीवी पे आप देखते हैं योगा, अजीब अजीब करतब दिखा रहे हैं, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है, वो योगा नहीं है, वो उसका फिज़िकल एस्पेक्ट है। जो असल योगा है वो है सांस, हाउ यू ब्रीद, और उस ब्रीदिंग को
सिंक्रोनाइज करना अपने मूवमेंट्स के साथ, दैट इज़ योगा। अब बात यह है कि इस टर्म को सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर ब्रेथ विथ मूवमेंट्स इज कॉल्ड प्राणायामा। प्राणा संस्कृत में कहते हैं एनर्जी को। तो ये एनर्जी क्या मुसीबत है, क्या होता है इससे? अच्छा, योगा की बात आई है तो मैं एक मज़े की बात बताता चलूं कि योगा में, अब चूंकि हम बात कर रहे थे मेंटल एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्सरसाइज, तो योगा में ये दोनों एक्सरसाइजेस अलग अलग की जाती हैं, राइट? तो हमारे पास एक टूल आया कि हमारे पास योगा है जो हमें ये इस चीज़ में मदद देगा कि हम मेंटली और फिज़िकली हेल्दी हो जाएं या स्ट्रांग हो जाएं, राइट? अब एक और टूल है जिसको कहते हैं टाई ची, या इसका पूरा नाम है टाई ची चुआन। ये चाइना में इसके ओरिजिन्स हुए, और इसमें और योगा में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि योगा में, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज अलग 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 की जाती है, टाई ची चुआन में फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज दोनों एक साथ होती हैं, इसीलिए टाई ची को कहा जाता है मूविंग मेडिटेशन। और इसमें जो ब्रेथ का जो सिंक्रोनाइजेशन है मूवमेंट्स के साथ, बहुत ग्रेसफुली आपने हाथ को आगे किया फिर पीछे किया, तो सांस भी उसी तरह जैसे हम मार्शल आर्ट्स में पंच करते हैं, तो हमेशा सांस को एक्सहेल करते हैं, और जैसे ही पंच पीछे आता है तो वी इनहेल। लेकिन टाई ची मार्शल आर्ट्स का हिस्सा होने के बावजूद इसका ताल्लुक किकिंग, पंचिंग, वायलेंस, कॉम्बैट आर्ट्स से नहीं है, वो सब एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स में आते हैं, जैसे कंग फू, जूडो, कराटे, शोटोकान वगैरह, किक बॉक्सिंग। टाई ची का ताल्लुक इंटरनल मार्शल आर्ट से है। अब आप एक वर्ड देखें जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस वर्ड को कहते हैं ची। अब आप कहेंगे ये ची क्या मुसीबत है, तो प्राणा को अगर मैं चाइनीज़ में ट्रांसलेट करूँ तो उसे कहते हैं ची। और इस मूवमेंट्स के सिंक्रोनाइजेशन को ब्रेथ के साथ सिंक करने को कहते हैं ची गोंग इन चाइनीज़, ठीक है? तो अब हमें ये समझ में आया कि जो असल माइंड और बॉडी की जो एक्सरसाइज है उसमें आपने ब्रीदिंग को और एक्शंस को अपने फॉर्मेशंस के साथ सिंक करना है। योगा जो है वो तीन पोजीशंस में की जाती है, लेट के, बैठ के और खड़े होके, जबकि टाई ची सिर्फ खड़े होके की जाती है। इसीलिए मैं, मेरे जो ख़ास तौर से पेशेंट्स होते हैं जिनको एथराइटिस है या जिनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, उनके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि टाई ची इज़ प्रेफर्ड टू योगा। अब बात यह है कि एक सिंपल सा फॉर्म मैं आपको करके दिखाऊँ जिसको कहते हैं ओपन एंड क्लोज हैंड्स, ठीक है? अच्छा, टाई ची जब भी की जाती है तो इसमें अजीब सी बात यह है कि नाक से सांस ली जाती है, क्योंकि आपका मुंह बंद होता है और आपकी जबान जो है वो अंदर अपर पैलेट को टच कर रही होती है। इस अपर पैलेट से जबान को टच करने का मतलब है वो स्विच ऑन करना एनर्जी का, जिसको हम ची कह रहे हैं। तो आपके जहन में दो चीज़ें आ गई कि अपने अंदर उस एनर्जी का स्विच ऑन किया और ऑफ भी कर लिया। देखें, जब आप किसी जगह जाते हैं गाड़ी को स्विच ऑफ कर देते हैं ना, जब आप अपनी मंजिल पर पहुँच गए, वरना एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ दोनों आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और यही टेक्निक आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा जहन को इस्तेमाल नहीं करना, स्विच ऑफ कर दें, और कहाँ ज़रूरत है तो पूरी अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक जगह पर इम्प्लीमेंट करें, है ना? तो एक छोटा सा फॉर्म मैंने अभी जो कहा जिसको कहते हैं ओपन एंड क्लोज हैंड्स। अब आप अज्यूम करें कि मेरा मुंह बंद है और मेरी जबान अंदर अपर पैलेट को टच कर रही है, और मैंने सिर्फ हाथों को खोला और बंद किया। बज़ाहिर ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें जब मैंने हाथों को खोला तो मैं इनहेल कर रहा हूँ, एनर्जी को गेन कर रहा हूँ, और जब हाथ मेरे वापस करीब आए तो मैंने एक्सहेल किया, एनर्जी को रिलीज़ किया, ठीक है? हम यही दो सूरतों में चल रहे हैं ना, इनहेल एक्सहेल, जैसे कंप्यूटर की बाइनरी नंबर्स में होता है 1 और 0, बिल्कुल वही चीज़ है। अब बात यह है कि हर चीज़ ये इनहेल और एक्सहेल में ही चलेगी। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कितना हाथों को खोलें, तो मेरा जवाब यही होता है कि जितना आपने इनहेल किया वहाँ हाथों को खोलें, जहाँ सांस पूरी हो गई रोक दें, और एक्सहेल उतना करें जहाँ पे हाथ आपके वापस आ रहे हैं, बस वहाँ तक एक्सहेल कर लिया। तो मज़े की बात यह है कि जब आप इस फॉर्म को परफेक्ट करेंगे तो आपके हाथों का डिस्टेंस उतना ही होगा चाहे आप उसे 10 बार करें। ये एक बहुत अजीब सी बात है, लगता बहुत सिंपल है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, इनहेल एंड एक्सहेल।
तो लिटरली जब आप इस फॉर्म को मास्टर करेंगे तो आपको अपने दोनों पाम्स के बीच में हीट फील होगी, यानी एनर्जी फ्लो कर रही है और आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएं जैसे मेरे अभी हुए हैं। थोड़ा सा और मैं चाह रहा था कि आपको टाइची के बारे में बताऊं, उसके फॉर्मेशंस के बारे में बताऊं। तो जैसे मैंने फर्स्ट थोड़ी देर पहले कहा कि टाइची में एक फॉर्म है ओपन एंड क्लोज हैंड्स, ठीक है। तो अब हम एक टाइची का फॉर्म देखते हैं जिसको कहते हैं ब्रशनी। तो इस फॉर्म में हम हल्के से जो है अपने आप को टर्न कर रहे हैं और फिर अचानक से ब्रीथ किया, इनहेल किया और हम पीछे आए। अब देखिए इसमें ग्रेस कितना है। राइट? तो टाइची के जो फॉर्म्स हैं, लोग अक्सर मुझे कहते हैं टाइची मुश्किल है, मैं कहता हूं मुश्किल नहीं है, इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और ब्रीदिंग और फॉर्मेशंस का जो एक कनेक्शन बनता है, इट फॉर्म्स अ रिदम लाइक अ डांस। तो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ इट। अच्छा, टाइची के हवाले से मैं एक और बात बताऊं कि टाइची हैंड फॉर्म्स, ये जो मैं कर रहा हूं ये हैंड फॉर्म्स हैं। टाइची जो है वो स्वॉर्ड से भी की जाती है, चाइनीज़ फैन जो है उससे भी की जाती है और स्पीयर से भी की जाती है। ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म्स मैं बता रहा हूं, और भी हैं। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अव्वल तो मेंटल हेल्थ पे लोगों को इतना पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक ने तो काफ़ी लोगों को एजुकेट किया है। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आप तो बड़े मज़े से कह देते हैं कि ध्यान लगाया कैसे जाए, तो उसका मेथड भी बता दें। तो देखें, इस वक्त मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा कि अभी मुझे रात को क्या करना है, कल क्या करना है। वो सब चीज़ें मैंने अपने जहन से डिलीट कर दी। मैं इस वक्त यहाँ हूँ और इस वक्त मैं इस सेकंड से आगे अगले मिनट का भी नहीं सोच रहा हूँ। तो इसको अक्सर लोग कहते हैं कि इन द नाउ रहने की जो टर्म है उसको अचीव कैसे किया जाए। तो इसको भी मेडिटेशन के थ्रू अचीव किया जाता है कि आप अपने माइंड को देखें, एक नॉर्मल इंसान है, आप अगर अपने जहन में इस वक्त जो थॉट्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं कि मैं अपनी गाड़ी का सोच रहा हूं, अपनी स्कूल का सोच रहा हूं, अपने ऑफिस का सोच रहा हूं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 5-10 चीज़ों की एक लिस्ट बन जाएगी। अब आपने करना ये है कि उनमें से चूज़ करना है कि इस वक्त मैंने इन 5 में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जो मैंने अभी करना है। तो जो अभी करना है तो बाकी 4 जो हैं उनको मैंने सोचना ही नहीं है, मैं उनको डिलीट नहीं कर सकता, उनकी तरफ मैंने फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आप किसी काम में, ये हर एक के साथ होता है कि किसी काम में बहुत ज़्यादा महव होके बिल्कुल डूब के कोई काम कर रहे हैं तो कोई आपको आवाज़ भी दे तो आपको आवाज़ नहीं आती, होता है ना सबके साथ, इसी को कहते हैं ध्यान लगाना। तो ये चीज़ एक इंसान अनकॉन्शियसली करता है, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू यही काम आप कॉन्शियसली करने के लिए अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं। ओके, दीज आर माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया माई फेसबुक पेज। माई फेसबुक पेज इज़ ड्रीम हीलर्स ऑन फेसबुक, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92334321-5503। आई विल रिपीट इट अगेन, +92334321-5503।